नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी इस प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। एक तरफ देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने जनता को परेशान कर रखा है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया, लेकिन बढ़ती महंगाई को कैसे रोका जाए, इस बात का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तब बीजेपी महंगाई पर खुलकर रोना रोती थी। अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, तब महंगाई के मुद्दे पर वही नेता चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता की जेब पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। राजनेताओं की चुप्पी और जनता में मचा हाहाकार देश के विकास की तस्वीर को खूब बयां कर रहा है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम ये चर्चा शुरू करेंगे। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी और मिडिल क्लास आदमी की पूरी कमर टूट चुकी है। आदमी क्या कमाए क्या खाए, अगर एक काफ़ी दिक्कतें हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। डीजल बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट गई है। देश जहां एक तरफ कोरोना की मार से परेशान है, तो वहीं लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो दिन पर दिन तेल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन के चलते लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, तो वहीं अब खाली जेब के सहारे जनता का जीना भी मुश्किल हो गया है। ना तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलाया जा सकता है और ना ही आटा दाल खरीदा जा सकता है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसके दाम शतक मार चुके हैं और नॉट आउट क्रीज पर टिके हुए हैं। वहीं जनता क्लीन बोल्ड नजर आ रही है। लोग जब पेट्रोल डीजल भरवाने टंकियों पर जा रहे हैं, तो उससे पहले उन्हें यही सोचना पड़ रहा है कि काश साइकिल युग ही वापस आ जाए तो बेहतर। क्यों? क्योंकि गाड़ियों के तेल का खर्च उठाना अब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। चलिए एक नजर शहरों में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर डाल लेते हैं। जानिए महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें। दिल्ली में 98.81 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है, तो डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में 104.90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, तो 96.72 रुपए डीजल। चेन्नई में 99.80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है, तो 93.72 रुपए डीजल के दाम। कोलकाता में 98.64 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, तो 92.03 रुपए डीजल। भोपाल में पेट्रोल के दाम 107.07 रुपए हैं, तो वहीं डीजल के दाम 97.93 रुपए प्रति लीटर है। रांची में 94.35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है, तो डीजल के दाम 94.12 रुपए। चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 95.02 रुपए हैं, तो डीजल के दाम 88.81 रुपए। लखनऊ में पेट्रोल 95.57 रुपए हो गया है, तो डीजल 89.59 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चुके हैं, 102.11 रुपए प्रति लीटर दाम है, तो डीजल के दाम 94.54 रुपए प्रति लीटर है। पटना में पेट्रोल के दाम 100.81 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल के दाम 94.52 रुपए प्रति लीटर है। तो देखा आपने किस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि साइकिल चलाइए और स्वस्थ रहिए, गाड़ी कम चलाइए, उससे वायु प्रदूषण होता है। लेकिन सरकार के कहने का मतलब शायद जनता नहीं समझ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे, आप अपनी गाड़ियों को कबाड़ में बेच दीजिए। खैर, चलिए आपको सुनाते हैं कि महंगाई की मार झेल रही जनता का क्या कुछ कहना है। आपको आगरा काकोरी लखनऊ से महंगाई को लेकर जनता का हाल सुनाते हैं। कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, उसके लिए आज हम यहाँ जो रायसर फिलिंग स्टेशन है वहाँ आए हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं जो पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो बढ़ती कीमतें हैं जो पेट्रोल की, उनसे उनको क्या परेशानियाँ हो रही हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल के जो रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, उससे कोई परेशानी हो रही है आपको? अरे पूरी परेशानी है। अब 400 रुपया कमाउते हैं, 400 रुपया में 100 को जे खाए जाते हैं, पूरी परेशानी है। दाल ले में के आटा ले में काले में 400 में। आप पेट्रोल लेने आए हैं और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो क्या कहना है उस पर? बढ़ती हो रही है तो यही है कि
जल्दी जल्दी कम हो जाए और क्या है। कैसे, पहले आप कितना पेट्रोल लेते थे और आज क्या कितना पेट्रोल ले रहे हैं? पहले भी 100 रुपये का डलवाते थे, वो एक डेढ़ घंटा चलता था, अब 100 रुपये का ये है कि 2 दिन चल रहा है बस। अरे महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें, काम धंधे रह नहीं है लोगों के और इसी में गुजार रहे हैं। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से आम जनता परेशान होती नजर आ रही है। इस वक्त हमें राजधानी लखनऊ में यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। आइए लोगों से जानकारी करते हैं कि उनको जो महंगा और पेट्रोल डीजल मिल रहा है उससे क्या उनको परेशानी है, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या समस्या है? लोग महंगा तो होने जा रहा है, इनको सस्ता होने लगेगा, क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों का? आपने जनता की बात तो सुन ही ली होगी, अब आपको सुनाते हैं कि हमारे पीएम ने पीएम बनने से पहले महंगाई पर कांग्रेसी सरकार को कैसे घेरा था। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। 2014 से पहले भी महंगाई का दौर जारी था, तब तत्कालीन यूपीए सरकार की जबरदस्त भद्दपीटी थी। बीजेपी के नेता चूड़ी और गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर जमकर तत्कालीन सरकार को कोस रहे थे। जनता भी बीजेपी के साथ नजर आ रही थी कि वाकई कोई राजनीतिक दल तो ऐसा है जो महंगाई का मुद्दा उठा रहा है। और असर देखिए, 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई। 5 साल तक जनता को लगा कुछ तो बदला है, तो जनता ने 2019 में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत दे दिया। लेकिन 2 साल से ज्यादा का समय बीतने को आ चुका है, महंगाई की मार ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई को लेकर ना कोई प्रदर्शन हो रहा है और ना कोई अपनी आवाज उठा रहा है। जैसे ही चुनाव करीब आएंगे महंगाई मुद्दा बन जाएगी, लेकिन सरकार के साथ अन्य विपक्षी दलों को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर आटा दाल चावल और गैस सिलेंडर के दाम, जनता की जेब पर लगातार चोट पड़ रही है। आखिर सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि इस देश में बेरोजगारी चरम पर है? फिर क्यों नहीं लोगों को महंगाई से राहत मिल रही है? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ रही है? ये समझने के लिए हमें पेट्रोल डीजल के दामों का गणित समझना होगा। इसका कच्चे तेल की कीमत व टैक्स ही आधार नहीं है, दरअसल एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर पेट्रोल पंप पर बिकने वाले ईंधन के दाम तय होते हैं। इसमें कच्चे तेल के दाम, परिवहन, रिफाइनरी का खर्च, केंद्र व राज्य सरकारों के कर, पंपों का कमीशन जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं, तब जाकर आपकी जेब पर भार पड़ता है। लेकिन जो सबसे मुख्य पहलू है वो कमीशन का है। राज्य सरकारें जो वैट लगाती हैं वो भारी भरकम असर जनता की जेब पर डालता है। खैर, पेट्रोल डीजल के दामों को छोड़ भी दें तो थाली भी दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। इस समय आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपये की हालत देश भर की हो गई है। इससे कैसे निजात मिलेगी, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अमित शर्मा, शिवम पांडे और अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो पेट्रोल की कीमतें किस तरह से आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है, ये हम सभी देख रहे हैं। हर दिन 50-60 पैसे बढ़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा भी आया कि अब पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार तक पहुंच चुकी हैं। हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आज हमारे जो मेहमान हैं उनमें सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सचिन रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव भी आज हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। अपने सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले मैं सभी मेहमानों से ओपनिंग कमेंट चाहूंगा, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कहेंगे। और सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जनता ने आपको महंगाई कम करने के लिए भेजा था, जनता को राहत देने के लिए, इस तरह की स्थिति आएगी सोचा नहीं था? देखिए, जनता ने हमको चुना था, जनता ने सिर्फ एक महंगाई ही मुद्दा नहीं था, देश के सामने बहुत से मुद्दे थे।
जनता ने हमको उस पर वोट दिया, देश की सुरक्षा का मुद्दा था, देश में महंगाई का मुद्दा था, देश में करप्शन का मुद्दा था, देश में बहुत से विकास का मुद्दा था, तो बहुत से मुद्दों पर हमको चुनकर भेजा और सिर्फ महंगाई ही मुद्दा नहीं था शिवम जी, लेकिन हाँ उसमें महंगाई भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसको हम अपनी उसमें जो है, चूंकि सरकार का 2010 और 2014 में पेट्रोल और डीजल पर से सरकार का नियंत्रण हटाने के बाद अब सरकारें कुछ नहीं करती है, ये बाजार भाव से तय होता है। आज हम कहें कि अगर मुंबई का जो है स्टॉक एक्सचेंज हम सरकार बैठकर तय करेगी तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां का अलग नियम है। तो पेट्रोल और डीजल का दाम बाहर से तय होता है, इसलिए हम सरकारों का नियंत्रण इस पर नहीं है। मनोज यादव जी, और सरकार कोशिश करती है, सरकार सिर्फ महंगाई के लिए नहीं तमाम विकास करने के लिए हमने सरकार चुनी थी, क्या कहेंगे आप? मैंने तो पहले कहा कि सरकार ने विकास के लिए हमको चुना, विकास बड़ी चुना, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुना। अब आप जवाब भी सुन लीजिए, मनोज यादव जी कुछ कह रहे हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपके दूसरे बयानात होते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो आपके बयानात बदल जाते हैं। ये सारी बातें हास्यप्रद जो उदाहरण दे रहे हैं बीजेपी के हमारे साथी, तब उस वक्त बताना था जब मोदी जी किस्मत की बात कर रहे थे बारिश होने पे, डीजल पेट्रोल सस्ता होने पे। लेकिन आपने सब्सिडी खत्म की है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो डीजल पे हो, पेट्रोल पे हो, और आपकी गैस पे हो, सब पे आपने सब्सिडी खत्म कर दी। क्यों खत्म की और किस डेवलपमेंट के लिए खत्म की, ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि वो पैसा जो सब्सिडी खत्म किया आपने, वो पैसा आप कहाँ है, किसके पास है, उस पैसे से देश में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये बताना पड़ेगा। अगर स्पष्ट जवाब नहीं आएगा तो ये समझा जाएगा आपका 5-स्टार दिल्ली का कार्यालय और पूरे देश में आपके जो कार्यालय बने हैं और जो बीजेपी के नेताओं के डेवलपमेंट हुए, उस सब्सिडी से सीधे सीधे बीजेपी और एक दत्तक पुत्र है प्रधानमंत्री जी के। ये जवाब भी जाना जाएगा हमारे भाजपा प्रवक्ता से कि आखिर विकास कहां कहां हुआ है। सचिन जी, बीजेपी ये आरोप भी लगा रही कि आज जो पेट्रोल के दाम देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। देखिए शिवम जी, मैं कहना चाहता हूं कि साही जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मोदी जी जब विपक्ष में थे और वो यूपीए सरकार को कोस रहे थे तो उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी नहीं थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी, इस वजह से दाम बढ़े थे। लेकिन आज की डेट में पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कम है और लगातार इनकी सरकार के द्वारा पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धन उगाही के लिए आई थी आम जनता से। आज 135 जिलों में पेट्रोल शतक पार कर चुका है, तो ये भी एक नया कीर्तिमान है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास लिखा जाएगा कि पेट्रोल की कीमत शतक लगा करके आगे जा चुकी है। इस पे आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार सरकार को चिट्ठी लिख रही हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सवाल किया। हमारे आदरणीय अजय कुमार लल्ली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के। लेकिन क्या होता है, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। आज सरकार को नहीं दिखेगा मोदी जी, क्या मोदी जी का वो बयान आज शाही जी नहीं बताएंगे क्या? लेकिन आज की डेट में नहीं रेंग रहा। और आपका ये कहना है कि मोदी जी इस पर भी कोई बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे। संजय जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, चूक कहां पे रह गई है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत एक बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि जब आप डीजल का दाम बढ़ाते हैं तो उससे ट्रांसपोर्टेशन के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन जब भी बढ़ता है, वो अगर एक रुपए भी ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों के भाड़े पर बढ़ा तो फलों पर, सब्जियों पर, जो खाद्य सामग्री है, क्योंकि वो उन्हीं के जरिए आती है। जैसे अभी आपका जो पैकेज चल रहा था उसमें था ना कि सरकार कह रही भाई साइकिल चलाइए, प्रदूषण भी कम होगा, अच्छी बात है। सरकार खुद ही चाहती है कि धीरे धीरे लोग साइकिल पे आ जाएं, तो वक्त है, हो सकता है लोग साइकिल पे आ जाएं तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि उन्होंने कमल क्यों खिलाया था फिर इस देश में। तो बहुत बड़ी बात है ये कि सरकार को समझना चाहिए कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहने से बाकी जो चीज़ें बढ़ती हैं उसका सीधे सीधे जनता पर, हमारे आपके ऊपर असर पड़ता है।
आज ही मैंने अपनी जो मेरी एक स्कूटी है मैं चलाता रहता हूँ जी, वो पहले 150 रुपये 200 रुपये में फुल हो जाती थी, अब 200 रुपये नहीं, अब 350 रुपये में फुल होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और खर्चे लोगों के बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम होती जा रही है, रोजगार के अवसर समाप्त हैं, चाहे मीडिया में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सब जगह नौकरियों में छटनी हो रही है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, कोरोना की वजह से वैसे ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो तमाम सारी दिक्कतों का जो लोग सामना कर रहे हैं, और ऊपर से महंगाई की मार, महंगाई हर तरफ है, सिर्फ एक जगह नहीं होती कि सिर्फ आटे दाल चावल और तेल महंगे हो रहे हैं, सब्जी महंगी है, फल महंगा है, कपड़े महंगे हैं, हर चीज़ महंगे होते हैं, फिर आम जनजीवन जो है वो उससे बुरी तरह प्रभावित होता है। सरकार को देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस पार्टी की सरकार है उसको ये लगता है, जैसे अभी अश्विनी जी ने कहा भी कि सरकार सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे तो आई नहीं, ये तो 3 तलाक के मुद्दे पे आए, ये तो 370 के मुद्दे पे आए, ये तो राम मंदिर के मुद्दे पे आए, तो ये उन चीज़ों को कर रहे हैं ना भाई, तो उनके जो वोट बैंक है उनको लग रहा है कि जिस चीज़ों पर आए हैं वो चीज़ें हो रही हैं, और इनको लग रहा है कि जिन चीज़ों के लिए हम आए थे वो चीज़ें जो हमारे वोट बैंक को सीधे प्रभावित करती हैं वो हम कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि महंगाई को हम ढक ले जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम आप सभी इस दौर से गुजरे हैं, चाहे मायावती की सरकार स्टेट में रही हो, चाहे मुलायम सिंह अखिलेश की रही हो, और बीजेपी की चाहे राजनाथ सिंह की रही हो, कल्याण सिंह की रही हो, जब भी महंगाई का मुद्दा उठता था मीडिया, अखबार और टेलीविजन सुर्खियों में महंगाई के मुद्दे उठाते थे। मैं खुद यहाँ, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैं तमाम चैनलों में यहाँ यूपी का हेड रहा हूँ, और हम लोगों को सवेरे ही इनपुट से आ जाता था कि आपको आज ये दाल पर आटे पर सपे एक पैकेज बनाने हैं, वॉक थ्रू करना है, वॉकपॉक करने हैं, तो ये सब खबरें चलती थी, और उस समय एक महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये गाना टीवी पर सुबह से शाम तक बजता था, मुद्दा अब नहीं आता। बिल्कुल शाही जी, जैसे कि मनोज यादव जी ने कहा कि सब्सिडी आपने हर जगह कम की है, चाहे वो गैस हो, गैस सिलेंडर हो, या कोई और चीज़ हो, जनता की जेब पर सीधे सीधे डाका डाला गया है, क्या कहेंगे शिवम जी? मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, अभी संजय जी ने जो लास्ट लाइन बोली है उसको मैं कोट करूंगा कि इनपुट पे आ जाता था ये खबरें, चल उस समय कौन सी सरकार थी, आपने नाम नहीं लिया, नहीं लिया शायद, तो उस सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। सब्सिडी पर मैं आता हूँ, सब्सिडी जरूरी है देश के लोगों के लिए, जरूरी है। गैस पर हम सब्सिडी दे रहे थे, सब्सिडी हमने आग्रह करके सबसे, जो लोग देने लायक थे या आधार जब लिंक किया गया तो सबकी सब्सिडी खत्म हुई। देखिए, देश का विकास जो है सिर्फ सब्सिडी और दान और माफी और कर्जे पर नहीं होता है, देश का विकास करना है। आज हर दल, कांग्रेस का एक मुझे याद आता है, रेणुका चौधरी का मुझे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आता है कि अगर आप एक 1,000 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं तो आप जो है गरीब आदमी, आप सिलेंडर लायक नहीं है। चलिए, वही शाही जी, आपने तो कर आज सुन लीजिए, नहीं आज सुन लीजिए, 8 करोड़ से ऊपर सिलेंडर हमने बांटा है, करके दिखाया है हमने, वो करके दिखाया है। कौन सा ऐसा गरीब इंसान है जो उस सिलेंडर को आज 847 रुपए में भरवा पा रहा हो? देखिए, अब हमने 801 सिलेंडर पर, जब सरकार कह रही है तुम हटो यहाँ से, गरीब हो तुम, उस लायक नहीं हो, और हम उसको सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, तो भरवाने का जिम्मा जो है सरकार लेकर नहीं थोड़े बैठी है। सिलेंडर एक बार दिया जाता है, भरवाया हर महीने जाता है, अगर किसी के घर में अगर 6 सदस्य हैं तो वो सिलेंडर हर महीने भरवाया जाएगा। 847 रुपए का ये बोझ जो है, जो आम जनता जो पड़ रहा है जी, तो कांग्रेस के समय 1,000 रुपए का सिलेंडर, और आज आप अपने मुंह से 3 बार आपने कहा 847 रुपए का, 850 रुपए का, दोनों में फर्क 1,100 कुछ रुपए का सिलेंडर मैंने खरीदा है शिवम जी। मैं, मेरी उम्र 53 साल की है, मैंने कांग्रेस साथी उस समय कांग्रेस के साथ में खरीदा है। तो देखिए, अब उस पर आता हूं जो सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं। अरे सब्सिडी को खत्म करना आपकी पहली प्राथमिकता थी, पहले गरीबों को आपने जाल में फंसाया, उसके बाद में उनसे अतिरिक्त वसूली करके सब्सिडी खत्म कर दी। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के समय जब संकट काल देश में था, पहले तब आप लोगों ने आप कंटिन्यू करिए, सचिन जी आप शांत रहिए। नहीं, सचिन जी से कहिए तो अगर अगर बहस को डिरेल करना हो तो मैं भी किसी को ना बोलने दूं। आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं, देश में, किसी भी देश में सब्सिडी, एक छोटा सा देश और बड़ा समृद्ध देश हुआ करता था वेनेजुएला,
बहुत समृद्ध देश हुआ करता था। सरकार ने फ्री में हर चीज बांटनी शुरू कर दी। बहुत लंबी कहानी है, तेल आज भी वहां सबसे ज्यादा है, लेकिन आज के दिन में स्थिति क्या है वहां की, लोग अगर एक ब्रेड के लिए हत्या हो जाती है वहां पर, आप अकेले पहुंच जाए तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, लूट हो जाएगी। स्थितियां किस तरीके से बदली हिंदुस्तान में आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो काम किया गया, मनोज भाई मुस्कुरा रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1962 में हमारे यहाँ युद्ध हुआ, 62 में हमारे सैनिकों के पास पहनने को जूते नहीं थे, कैनवस सूट पहनकर अपनी हिम्मत से वो लड़े थे और हमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। आज हम सामरिक रूप से कितने जो है आगे हैं, इस पर भी विचार किया जाए। आज हम आंतरिक सुरक्षा में बहुत बेहतर हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बात पे लीजिए भैया, पेट्रोल डीजल पे हम बात करने के लिए बैठे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। आज जो है, आज फॉरेन रिजर्व हमारे सामने, सबके सामने है, विश्व में हम कहां पर है, चौथे स्थान पर हम पेट्रोल की बात करने के लिए बैठे हैं। पेट्रोल के दाम और ये लोग जो मनोज भाई और सचिन जी जो बैठे हैं, इनकी सरकारें आएंगी, ये लोग जो है बांटो भाई शाही जी, आप देश को मजबूत, लोहे को मजबूत बनाने के लिए हम बात पेट्रोल डीजल की करने के लिए बैठे हैं। हम आपसे पूछ ये रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल पे तो क्या मतलब, पेट्रोल डीजल से सिर्फ एक ही चीज पर फर्क पड़ता है आज, क्या आज का हमारा मुद्दा यही है शाही जी। शिवम जी, मुद्दा मैं मुद्दा से भटका नहीं हूँ और मैं किसी डिबेट पर मुद्दे से नहीं भटकता हूँ जी। शिवम जी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो उससे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको भी पता है बिल्कुल। और सिर्फ खाली हम माना जब पेट्रोल डीजल सीधे उसका मतलब नहीं है, डीजल की कीमतें बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, हर चीज के दाम बढ़ते हैं जी, एकदम बढ़ा है, उसका इंपैक्ट दोनों तरफ पड़ता है, आम जनता पर भी पड़ता है। आप बताइए हिंदुस्तान में तेल की बिक्री कितने परसेंट कम हुई है, कोई बता दे हमको, लेकिन कितने परसेंट तेल की बिक्री आज की डेट में कम हुई है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतों की बात की जाए तो आप ये मानेंगे ना कि कांग्रेस के काल में उस वक्त इतनी ज्यादा कीमतें थी, आज उतनी कीमतें नहीं है, फिर भी आज पेट्रोल 100 रुपए का पार पहुंच चुका है। शिवम जी, एक लाइन से मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद जनता जवाब आप भी दे दीजिएगा, जनता से पूछ लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस शासित राज्य, सपा का तो चलिए खैर कहीं पूरे देश में अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश छोड़ के, लेकिन कांग्रेस में कुछ प्रदेशों में उनके शासित प्रदेश हैं, आप उनसे कहिए एक उदाहरण पेश करें जो 33 रुपए 34 रुपए का वैट है उसको कम करें, एक उदाहरण पेश करें, हो सकता है भारत सरकार भी कर दे, अन्य प्रदेश भी कर दे। देखिए भारत सरकार को करना चाहिए ना, तभी तो सभी राज्य प्रदेशों के नहीं है। ठीक है मनोज यादव जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। मनोज जी, 2022 में अगर आपकी सरकार बनती है, अभी उन्होंने कहा वैट के दाम, वैट की जो कीमतें हैं वो क्या आप कम करेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं तो? कि आपको वाजिब सवाल है और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि उन्होंने कहा सब्सिडी हमने जनता की खत्म कर दी तो डेवलपमेंट कर दी। मैं एक सर्वे और एक रिपोर्ट के हिसाब से जो मैंने पढ़ा और जो मेरी अपनी जानकारी बताती है, इस देश में पूंजीपतियों का जितना हर साल का कर्ज लिया हुआ पैसा एनपीए हो जाता है उससे बहुत कम था सब्सिडी। और सबसे बड़ी बात की पूंजीपतियों को सरकार जो सब्सिडी दे रही है हर क्षेत्र में, वो फिर लैंड हो, वो फिर लोन हो या फिर उनको किसी और तरीके की सहूलियत हो, पूंजीपतियों के लिए आप सब्सिडी नहीं खत्म कर पाए आज तक, लेकिन आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए सब्सिडी खत्म कर दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर सरकार महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाती है तो दूसरा पहलू ये है शिवम जी कि सरकार को दूसरे पहलू पे जनता की मदद करनी चाहिए। सपोज दैट आपने उदाहरण दिया कि हम डीजल पेट्रोल के दाम नहीं तय करते, चलिए आपकी बात में मान लेता हूँ, लेकिन जनता को सहूलियत आप क्या दे सकते हैं, जनता को आप किस कदर से इस व्यवस्था को अपनाने के लिए उनको सहूलियत दे सकते हैं कि वो क्या करें या क्या सरकार उनको सहायता प्रदान कर सकती, ये तो आपके हाथ में है ना, आप क्या दे रहे हैं क्या लोगों को, मुझे तो नहीं लगता है दे रहे हैं। अच्छा चलिए बाहर वो तय करते, लेकिन जो हमारा सरसों का तेल है उसके दाम तो नहीं तय करता है, ना अरब कंट्री तय करता है ना कुवैत तय करता है, वो तो हमारे ही देश तय करते हैं। वैसे हम बता दे रहे हैं जो ये तेल महंगे हुए हैं, दत्तक पुत्र के लिए महंगा किया गया है, दत्तक पुत्र गौतम अडानी प्रधानमंत्री जी के जो हैं, उनकी फॉर्चून कंपनी जो है
तेल की आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मनोज जी। ये दत्तक पुत्र को लाभ देने के लिए मोदी जी हमेशा महंगाई लाए। पार्टी के पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। अरे समाजवादी पार्टी उसी के लिए मशहूर है, दत्तक पुत्र इसलिए कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का कोई नहीं है, लेकिन रुकिए रुकिए, मुख्यमंत्री काल से उनके साथ कोई है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री काल से उनके साथ कोई है तो वो सिर्फ गौतम अडानी है। एक छोटा सा व्यापारी जो एक स्टेट का व्यापारी था, वो बढ़ के आज एशिया में नंबर दो की हैसियत में पहुंच रहे हैं। तो मैं तो दत्तक पुत्र कहूंगा, मुझ पे चाहे तो बीजेपी FIR कर दे, इसलिए कि मोदी जी का सबसे खास अगर इस देश में कोई है तो गौतम अडानी है। और एक मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, गौतम अडानी के जब जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो रेल हो, तेल हो और सेब हो, कोई भी आप उसका प्रोडक्ट उठा के देख लो, वो हिंदुस्तान में सबसे महंगा है। क्यों महंगा है, अब ये प्रधानमंत्री जी जवाब दे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे। जी शाही जी, आखिर क्यों महंगे? ऐसा है, और जिस तरह से सरसों के तेल पर जवाब दे रहा हूँ। हाँ, सरसों का तेल। मैं दो बातें कहूंगा, बाकी फाइनल आपका बड़ा है। मैं दो बातें कहूंगा, अभी सरसों के तेल पर मनोज भाई ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। सरसों का तेल अभी तक जो है मिक्सिंग करके कैसे आता था ये सबको पता है, अभी तक अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। अब उसमें पामोलिव का जो मिलाने का जो रेशियो था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी पिछले 2 महीने से कम किया है। दूसरा मुद्दा कहाँ आया है, अगर तेल का दाम उससे भी बढ़ा है, दूसरा मुद्दा आया है जो ये किसान के तथा कथित हितैषी सपा बनती है, मैं उसको बताना चाहूंगा कि सरसों का दाम आज किसान क्या रेट बेच रहा है, किसानों को कितना लाभ हो रहा है, ये भी देखना फिर पड़ेगा। किसान धरना क्यों दे रहे हैं शिवम जी? फिर किसान धरना क्यों दे रहे हैं? गजब भाई, गजब है, गजब है। फिर किसान धरना क्यों दे रहे हैं? तो राजनीतिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है, वो डकैत है, ठीक है, नहीं वो डकैत है, ये, वो ये, नहीं, ये, ये नहीं, गलत वो, बात कर रहे हैं, वो भाजपा को हरा रहे हैं, वो भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। आप अगर दाम की बात करते हैं, पिछले साल MSP कितना मुहैया कराया गया आम किसानों को, MSP में कितनी वृद्धि हुई? दाम देखिए ना, आज खुले बाजार में सरसों की कीमत देखिए, पंजाब के किसान सरसों बेचकर इस समय खुश है, वो कह रहे हैं कि खुले बाजार में हम बेच रहे हैं सरसों, हमको जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको MSP से ऊपर मिल रहा है। और आज सरसों का दाम देखिए किस कदर बढ़ा हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो सरसों के तेल का भी दाम बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, एक कांग्रेस की सरकार ने, सचिन जी भी इस पर ध्यान दें, 140,000 करोड़ का ऑयल बांड लेकर आए थे ये लोग, जिसका 10,000 करोड़ आज की सरकार भी दे रही है और 2026 तक देना है। ऑयल बॉन्ड का पूरा हिसाब मैं लेके बैठा हूँ शाही जी, ऑयल बॉन्ड 1,30,923 करोड़ का बॉन्ड बचा है। अगर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 3,00,000 करोड़ की आमदनी हुई है सरकार को, 3,00,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें से सिर्फ 10,000 करोड़ जिसमें 10 हमको 2026 तक हमको देना है कि नहीं देना 26 तक कितना देना है आपको 26 तक का मैं पूरा आपको बता देता हूँ किस साल कितना आपको देना है। अगर आप कहें तो 9,960 करोड़ हर साल हमको देना है कि नहीं देना है, उसका ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ, मूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ब्याज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में आपने कितना दिया है? नहीं, अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है, तब से आपकी पार्टी ने सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए ऑयल बॉन्ड पर दिए, 3,500 दिए है ना ब्याज के, दिए 3,500 करोड़ रुपए, फिर आज जो जनता आज, अरे नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप जो है, आपसे मैं कह रहा हूं कि 9,960 करोड़ पर साल हर साल देना है कि नहीं देना, ये बताइए। और जब से वो आया है बांड, तब से हमने 3,000 आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसमें? चलिए संजय जी, ऑयल बॉन्ड को आप अगर देखते हैं आज की तारीख में, ऑयल बॉन्ड क्या कांग्रेस की वजह से ही आज की तारीख में आम नागरिक को इतने महंगे तेल के जो दाम है वो मिल रहे हैं? देखिए अश्विनी जी की बात ठीक है, उन्होंने भी दो बातें कही, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ। एक सरसों के लिए कहा, सरसों 30-35 रुपए किलो की है, अभी भी किसान इतने में ही बेच रहा है, और 2.5-3 किलो सरसों में वो काली और पीली का जो महत्व होता है उसके हिसाब से 3 किलो में 1 किलो तेल आ जाता है, बहुत हुआ 90 रुपए 100 रुपए तक तेल
120 रुपए तक बिकना चाहिए, लेकिन 200 रुपए लीटर अगर सरसों का तेल बिक रहा है तो उस पर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये क्योंकि क्या? सरसों का तेल अभी, जो 100 रुपए की मजदूर, मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ कि जिसको इस समय रिक्शे वाला है, आजकल तो काम वैसे नहीं मिल रहा है लोगों को, आप देखिए तमाम शहरों में रिक्शे वाले बेचारे दूसरों की मर्जी पर, दूसरे लोग उनको शाम को, बहुत सारे संगठन है जो खाने खिला रहे हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए कि 300-350-400 रुपए मजदूरी करने वाला आदमी, वो आटा 1 किलो 40 रुपए का लेगा, दाल कितनी लेगा, वो 150-200 की है, वो सब्जी कितनी खरीदेगा, वो तेल कितना लेगा, कैसे वो रोज अपने परिवार का पेट पाल पाएगा, इस पर विचार करना चाहिए। सरसों का तेल वाकई सस्ता होना चाहिए, दालें सस्ती होनी चाहिए, चावल और गेहूं की तमाम क्वालिटी और वैरायटी होती है, उसका अपना लेबल है, जो जिस हिसाब से कमाता है उस हिसाब से वो। लेकिन संजय जी, जिस तरह से तेल की कीमत की बात की जा रही है, और लगातार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि तेल के दाम ज्यादा हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को मिल रहा है, क्या वाकई में मिल रहा है? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तेल के दाम अगर ज्यादा हैं तो इनसे ये पूछा जाए कि जब भी बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो पूरे 1.5 महीने तक तेल के दाम एक भी दिन नहीं बढ़े। अभी यूपी में चुनाव होंगे, जितने दिन चुनाव की जैसे ही घोषणा होगी, जितने दिन चुनाव चलेंगे और चुनाव के नतीजे आने तक तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तेल के दाम आप बढ़ा देते हैं। आपने दो बातें कही अभी इन्होंने ना कि हम वो जो इनका कर्जा है वो उतार रहे हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस का कर्जा आप 2014 से लेके अब तक, आप तो तेल इतना महंगा नहीं हुआ था, अचानक से बंगाल के चुनाव के बाद ही तेल के दाम क्यों महंगे हो गए? ठीक है, आपकी एक बात समझ में आती है कि कोरोना में बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के लिए भी आपको पैसे का अरेंजमेंट करना था और इसके लिए भी जरूरी हुआ कि आप तेल के दाम बढ़ा के उनको आप मैनेज करिए, वो बात भी समझ में आती है। लेकिन उसमें आप ही कहते हैं कि सब कुछ फ्री में नहीं दे सकते, वेनेजुएला फ्री में देके बर्बाद हो गया। अरे भाई, तो मोदी जी ने तो अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम दिवाली तक राशन फ्री देंगे लोगों को। हर चीज में आप जैसे चुनाव आता है फ्री किसको देते हैं आप? कोरोना में आप राशन फ्री बांट रहे, क्यों फ्री बांट रहे थे? फिर कुछ आप पैसे वसूलते, कुछ आप पैसे निर्धारित करते, और उस फ्री के देने में खेल होता है सरकारी तंत्र आपका खाता है। जवाब दे दूं मैं इसका, सरकार खाता है। संजय जी, मैं सम्मान जवाब देना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। संजय जी, आपने कहा कि क्यों नहीं दे देते हैं, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो दोहरे मानसिकता से बात करना ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा। मैं ये कहूंगा कि जो राशन दिया गया है 80 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है, वो परिवार अगर हम उसको गरीब मानते हैं, किसान मानते हैं, तो भारत सरकार के लिए कभी भी माननीय मोदी जी ने बात किया है तो 135 करोड़ देशवासियों की बात की है। आज डीजल और पेट्रोल आप ये बताइए, अभी सरकार अगर कह देगी कि साइकिल चलाना, उसका भी माखौल उड़ाते हैं आप लोग। अभी सरकार ये कह रही है कि जो है आप जो है गाड़ियों में तेल, मैं कह रहा हूं कहीं किसी गाड़ी में किसी ने तेल भरवाना कम किया हो तो बता दीजिए कि पेट्रोल, किसी पेट्रोल पंप पर लाइन कम हुई हो। आप तो वही बात कह रहे हैं कि किसी ने खाना खाना बंद किया हो तो बता दीजिए। अरे जीना है तो खाना खाएंगे, आम इंसान को अगर अपने गंतव्य स्थान तक जाना है तो जाएगा। अगर देश गरीब है, आप वेनेजुएला से अगर आप तुलना कर रहे हैं, सचिन कुछ कहना चाहे, सचिन काफी देर से शांत बैठे हुए। देखिए शिवम जी, मैं दर्द समझता हूँ शाही जी का, क्योंकि सरकार लगातार दाम हर मामलों में बढ़ा रही है, तब इनको कहीं ना कहीं भक्तिमय जवाब देना ही पड़ता है। मैं समझता हूँ कि एक नारा आया था 2013 के कैंपेन में, जब 2014 का चुनाव होने वाला था, कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। 2014 में जनता ने आपको चुन करके भेज दिया, उसके बाद से अब तक जो लगातार तेल पे, गैस पे और जो कच्ची सामग्री पे, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, या जितने भी जो जरूरतमंद चीजें हैं, उन पे सरकार के द्वारा लगातार दाम बढ़ा करके जो अवैध वसूली की गई सरकार के द्वारा, वो पैसा कहाँ गया? मैं आपको बताऊं, 2020 के शुरुआत में जब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे 12 फरवरी को व्यक्तित्व दिया कि आने वाले समय में देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, तब पूरा प्रधानमंत्री जी का पीएमओ ऑफिस से लेकर जिनके मंत्री लगातार मखौल उड़ाते रहे। उसके बाद में जब कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी जब देश में एंटर किया और लगातार हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट किया, आदरणीय राहुल गांधी जी हर मुद्दे पर सरकार को सुझाव दिया और सवाल किया कि आप जो है महंगाई के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करिए, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। और 2020 में 20,00,000 करोड़ मोदी जी ने पता नहीं किसको दे दिए, आज तक उसका हिसाब किताब हुआ नहीं। अब लगातार जो है 2020 से लेकर के 21 के वित्तीय वर्ष में सिर्फ पेट्रोल डीजल में जो इन लोगों ने 4 लाख
करोड़ की वसूली की है हमारी जनता से, उसका पैसा कहां गया? आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बातें हैं उस पे इतना गुमराह कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपका चेहरा आप जनता देख चुकी है कि आप ना महंगाई रोक सकते हैं, ना किसी प्रकार का रोजगार दे सकते हैं, ना आप किसानों को उनका हक दे सकते हैं। अरे आप लोग ऐसी सरकार आ गए हैं कि हर तबका परेशान है। सचिन जी, सब आंदोलन को मजबूर है। सचिन जी और मनोज यादव जी, विपक्ष के रूप में आप पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले शाही जी को एक पुराना वीडियो दिखाना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो आप देखिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे। शाही जी, सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का दावा करते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो तेल के दाम 40 रुपए लीटर होंगे, पेट्रोल के दाम 40 रुपए लीटर होंगे। जो आप ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं, 2005 से ये ऑयल बॉन्ड चलते चले आ रहे हैं, क्या उस वक्त मोदी जी ने ये सोचा नहीं था कि ऑयल बॉन्ड भी हमारे सामने है, हमें वो भी भरना पड़ेगा? तो क्यों इस तरह के बयान दिए गए उस वक्त? तो बयान क्यों, देखिए सब जो सरकार जो विपक्ष में होगा आज बैठकर क्यों ये लोग बयान दे रहे हैं? सचिन भाई हमारे बोल रहे हैं, हमारे मनोज जी बोल रहे हैं, तो आप मानते हैं ना कि कथनी और करनी में फर्क है? नहीं, कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। आज हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है और मजबूत हुआ है। आज हम किसी के घर में घुसकर मारने की स्थिति में है, ये लोग सबूत मांगने की स्थिति में है, सबूत मांगने की स्थिति में है। आज हमारे पास, मैंने 62 की बात की, सब लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। मनोज जी, 62 में कैनवास के जूते पहन के लोग गए थे। आज आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन सवाल आप पर भी है, सवाल आप पर भी है। शाही जी, शाही जी, आप शिवम जी, मनोज जी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाते हैं और हम लोग हिंदुस्तान में है। मैंने इसीलिए सचिन जी की बात की क्योंकि मनोज जी इन चीजों पर उत्तर प्रदेश में रहे, इनका भी भ्रष्टाचार अपराध जो भी था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा अलग हो जाता है, पेट्रोल डीजल का पूरे देश का मुद्दा है, तो वो उस मुद्दे पर भी बात करना चाहिए, मेरा ये कहना है। आपने सवाल किया कि आप कम करेंगे अगर आपकी सरकार आती है, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पूछिए मनोज जी, कम करेंगे या नहीं? जी निश्चित तौर पर, देखिए हमारी सत्ता जब चुनी जाएगी तो मैंने दो विकल्प बताए कि सरकार अगर कोई चीज महंगी करती है तो दूसरा पक्ष भी तमाम ऐसा जनता का होता है कि उधर हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अगर हमारी कोई आर्थिक नीति की मजबूरी होगी तो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जब महंगाई को अटैच करते हैं कि हम दूसरे देश में घुस के मारने वाली स्थिति में आ गए, तो मुझे हंसी आई। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है 1962 का जो चाइना का युद्ध था, उस युद्ध के बाद आज तक भारत कभी किसी देश से युद्ध में, अपने पड़ोसी देश से या विश्व के किसी भी देश से, कभी भी नहीं हारा और हमेशा जीता, क्योंकि हम अपने देश के सैनिकों। आप महंगाई से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं एक विपक्ष के तौर पे? आप महंगाई से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर नजर आती थी, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे। आज जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन आपकी सरकार और आपके नेताजी नजर नहीं आ रहे, क्यों? ये सबसे सस्ता आरोप है समाजवादी पार्टी पे। ये उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा रही है, इन दो सालों की बात कर दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए विगत दो सालों में बहुत कम महीने ऐसे बीते हैं जब कोई राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन करने की स्थिति में रहा हो। सरकार ने लगातार समाजवादियों पे एक दो मुकदमे नहीं लगे, कांग्रेस के साथ ही कहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत बार जेल गए, समाजवादी पार्टी के हर जिले के कार्यकर्ता और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जेल गए और उनपे हजारों मुकदमे हुए। लेकिन ये बात खैर चर्चा का विषय न कोई बनाता है ना बनेगा ही, क्योंकि हम पे ये आरोप लगता है, शायद जनता को हमसे उम्मीद भी बहुत है। लेकिन आने वाले समय में आप रोडों पे समाजवादियों को और भी प्रचंड रूप से देखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा के सामने धरने पे बैठते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार करके, अगली बार जब वो गिरफ्तार कन्नौर नहीं जाने दिया जाता है तो गिरफ्तार करके इको गार्डन में बैठा दिया जाता है पूरा दिन।
समाजवादी हूं, मैं खुद किसान आंदोलन में 7 दिन जेल में रहा हूं, इस तरह तमाम सारे उदाहरण। लेकिन खैर, आपका आरोप जायज है, आपको धन्यवाद कि आप हम पे सवाल उठाते, विपक्ष की भूमिका के लिए आप हम पे सवाल उठाते। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़कों पे और सत्ता आने पे, सरकार की कलम की ताकत पे कुर्सी पे बैठ के, आपने भी एक बात कही कि जनता से कहा जा रहा साइकिल के निशान को चुन लेंगे, और उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। ये शब्द कहते हुए मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है, क्योंकि ये बीजेपी की टैगलाइन है अच्छे दिन। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि पूरी कोशिश करेंगे जनता को राहत देने के लिए, वो फिर महंगाई हो, आम जनमानस की कोई चीजें हो, अथवा जो ये स्कूल की फीस हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अस्पताल का क्षेत्र, जिसके काम को ठप कर दिया गया है, वो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अगर आप सत्ता पर काबिज होते हैं तो क्या कुछ आप जनता के लिए करें। संजय जी, विपक्ष जिस तरह से 2014 से पहले भूमिका निभाता था, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा, आज वो चीजें क्यों नजर नहीं आ रही, क्यों विपक्ष इतना निस्तनाबूद नजर आ रहा है? इसका जवाब मैं दोनों जी, जो बीजेपी और सपा के प्रवक्ता हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, तो बाहर तो अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है कि बाहर घर में घुस के मारने की नौबत आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के घर में घुस के इन्होंने मारा है। इनके तमाम जो प्रस्तावक थे, नामांकन इनके नहीं होने दिए जा रहे हैं, तमाम इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए और ये डरे हुए हैं। देखिए, खुद भी कह रहे हैं ना कि हमारे जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो सत्ता का एक अपना ऑरा होता है, उसके आगे जो विपक्ष है, वो वाकई पिछले 5 साल में जनता के बीच में अगर बात करिए तो विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि चाहे जितने ये मुद्दे होते रहे हों, छिटपुट आप लखनऊ में कुछ बड़े महानगरों में देखिए तो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज़ें दिखाई देती हैं कि लोग सड़कों पर उतरते हैं। इसे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव धरने पर बैठे और नहीं को गार्डन में बैठाया गया, वो छिटपुट बातें हैं। अगर दरअसल अब चर्चा होने लगी है कि अब ट्विटर पे नेता रहते हैं, प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, ट्विटर पर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ट्विटर पर रिएक्शन फौरी तौर पर आते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। अभी कुछ दिन पहले ही जब हम लोगों ने बात की थी कि इमरजेंसी की, तो उसमें था कि इमरजेंसी की शुरुआत जब 1977 में हुई थी उस आंदोलन की, तो बहुत छोटा सा एक आंदोलन था जो अहमदाबाद से निकला था और वो छात्र के हॉस्टल में मेस के खाने को बढ़ाने को हुआ था और उससे चिमन भाई पटेल की सरकार गई थी, विधानसभा भंग हुई थी और फिर उसी तरह आंदोलन बढ़ता गया, फिर 75 में इमरजेंसी आई। शाही जी, तो इस समय आरोप है पर कुछ नहीं, आप डर की राजनीति कर रहे हैं, आप विपक्ष को उभरने नहीं दे रहे, विपक्ष को धरने प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, ना आप उनको निकलने देते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं। देखिए, संजय जी ने जो कहा कि ट्विटर पे लोग वार लड़ रहे हैं, इस समय ट्विटर पे ही है मामला। कहीं भी राहुल गांधी एक ट्वीट सवेरे करते हैं, एक शाम को करते हैं, प्रियंका जी करती हैं और अखिलेश जी करते हैं। कोई भी बढ़िया धरना प्रदर्शन बता दीजिए, हाँ कोई दूसरा कर रहा है वो महत्वाकांक्षा। अब तो लगता है ट्विटर को भी आप खत्म कर देंगे जहां पर वो लड़ रहे हैं, कुछ दिनों बाद तो ट्विटर भी देखने को नहीं मिलेगा शायद। जी, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। जी शाही जी, जैसा कि आपने कहा कि ये लोग ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर पर आपने तमाम आरोप लगाए हैं, क्या आने वाले समय में ट्विटर भी आपकी हिटलिस्ट में होगा? अभी भी है। ट्विटर पर आरोप नहीं लगाए हैं, ट्विटर अगर वो कुकर्म कर रहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना नहीं रहा, ट्विटर को कई बार आगाह किया गया है, अगर ट्विटर नहीं मानता है तो ट्विटर को जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी सरकार करने का काम करेगी, क्योंकि ट्विटर को ये खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। हिट लिस्ट की बात ही छोड़ दी, वो व्यापारी है, हिंदुस्तान में व्यापार कर रहा है तो हिंदुस्तान के नियम कानून को मानना पड़ेगा। तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उस ट्विटर को छोड़ देते, क्यों बहिष्कार नहीं कर देते उसका? देखिए, जो साधन सुलभ है अगर वो ठीक से चल रहा है तो क्यों, क्या आजकल टेक्निकल जमाना है, एक दूसरे को बात अपनी कहने का है? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या स्वर्ग से थोड़े ही आए हैं कि हम समाजवादियों से अलग हैं? और दोनों चीजें आपकी नहीं हो सकती हैं शाही जी। मनोज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी बताइए। देखिए, अभी संजय जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पे आपने आरोप लगाया कि और कांग्रेस पे कि आंदोलन कम कर रहे हैं, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया है। ठीक है, आपका सवाल जो भी है, मैं
मैं उस सवाल को धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान इंगित करना चाहता हूं। किसानों ने विगत 7 महीनों से लगातार आंदोलन, इस किसान आंदोलन से पहले तमिलनाडु के किसान आए जिन्होंने अपनी पेशाब को तक पिया दिल्ली में, क्या उनकी बात सुनी गई? नोटबंदी के बाद गुजरात में किस तरीके से आंदोलन हुआ, क्या इस गूंगी बहरी अंधी लूली लंगड़ी सरकार ने उनकी बात सुनी क्या? आप बताओ ना, कौन सुन रहा है, कौन सी सरकार सुन रही है पूरे देश में जब कोई आंदोलन हो रहा है? एक बात, लेकिन कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, टिक सकता, आगे बढ़ सकता, चौथे स्तंभ की उसको मजबूती के साथ सपोर्ट नहीं मिलेगा। लगाना चाहते किस आंदोलन को मुख्यता से कौन सा टीवी चैनल देता है अपने आर्काइव में जगह या अपने फ्रंट लाइन में जगह, कौन सा अखबार देता है? कोई नहीं देता। राजनीतिक दलों पे आरोप लगाना सबसे आसान है, लेकिन खुद मीडिया को ये सोचना चाहिए, इस देश में जब भी कोई आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है, क्या कोई सरकार पे क्वेश्चनिंग मार्क लगे हैं, तो उसमें मीडिया का महत्वपूर्ण रोल रहा। लेकिन अब तो न्यायपालिका पे भी आरोप लगते हैं, अगर कोई इनके खिलाफ बोल दे तो उसी जज पे, मुख्य न्यायाधीश पे रेप का केस लग जाता है। क्या इस देश के लिए सौभाग्य की बात है? क्या इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक नहीं है? आप कह रहे हैं ना संवैधानिक ढांचे में रहना पड़ेगा वार्ड ट्यूटर को, अरे ये किसान भी संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत ही बढ़ने बैठे धरने पे, लेकिन आप अंधे भी है, बहरे भी है, गूंगे भी है। चलिए शाहिद जी, वक्त की कमी है हमारे पास, आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगा, फाइनल कमेंट में चाहूंगा। आप संविधान की बात करते हैं, मनोज यादव जी ने कहा है कि संविधान के तहत जो भी चीजें हो रही हैं आप उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं और आप उन पर भी तानाशाही वाला रवैया अपना रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन हमारे सम्मानित किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर उसमें जो किसान है उनका पूरा सम्मान अभी, किया अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि टिकैत नहीं डकैत है, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ के बलात्कार, आप एक बात कहिए, या डकैत है या सम्मानित किसान। सबसे ज्यादा अगर आज तक कोई साथ रहा तो बीजेपी से रहा। खिलाफ नारे मनोज जी रुकिए, राजनाथ सिंह के बहुत मनोज जी रुकिए, शाही जी को अपनी बात कहने हैं। वो ब्लैक फंगस हैं, वो देश के लिए इस समय ब्लैक फंगस का काम कर रहे हैं। और कोड़ हो, इस देश का कोड़ हो बीजेपी की पार्टी, मैं कह रहा हूँ संयुक्त किसान मोर्चा, अब मावा बन गए इस देश के लिए, आप वैसा कोड़ बन गए हो कि हमारे देश की जनता मर रही है, 500 से ज्यादा किसान मर जाता है, आपको दया नहीं आती है? बेशर्मी की बातें करते हो, आप खुद रहे उनको हम कुछ धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे। मनोज जी रुकिए, शाही जी को अपनी बात कहने दीजिए, आपने अपनी बात कह ली है, उनको भी समय दीजिए। नहीं नहीं शिवा जी, आप बताइए ना, रुकिए मनोज जी, 2 मिनट का वक्त दीजिए, इस तरह से नहीं चलती है, आप डिबेट में शामिल हैं, यहाँ पर हम लड़ाई करने के लिए नहीं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। शाही जी आप बात रखिए, मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आप बिल्कुल शांत रहिए, दो मिनट शांत रहिए, बात सुनिए। देश से खत्म हो जाएंगे, हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, पुराना हिंदुस्तान। मनोज जी की आवाज डाउन कर दीजिए, मनोज जी की आवाज डाउन कर दीजिए, देश हो जाएगा, आवाज डाउन कर दीजिए। शाही जी, ये समाजवादी भाई हमारे मनोज जी ऐसे आंदोलित हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसान आंदोलन है, सरकार ने उनको कहा है कि आप आइए वार्ता के लिए आइए, लेकिन जो किसान होंगे उनका हमेशा सम्मान होगा इस देश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान है। लेकिन आज के कल के वो किसान जो मैंने डकैत कहा, वो जाते हैं बंगाल, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराओ, बिजनौर में प्रत्याशी खड़ा करते हैं राजनीतिक रूप से, अपने मंच पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर बिजनौर में अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़वाते हैं। तो ये लोगों का जो किसान का मामला था, मैं ये कहना चाहूंगा शिवम जी, आज हमारे साथ कोई किसान नेता नहीं है, खत्म हो, उनसे भी इस बात का जवाब लेते। कांग्रेस से हमारे साथ सचिन जी हैं, उनसे फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा, वक्त की कमी हमारे पास, शाही जी माफ कीजिएगा। देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी अहंकार रूपी राजनीति कर रही है। अभी जैसे शाही जी ने टिकैत साहब को डकैत बता दिया, किसानों को खालिस्तान बता दिया, तो मैं कहना चाहूंगा, क्या हर किसान जो आज क्या चुनाव नहीं लड़ सकता है, आपकी सरकार का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने उनपे 3 काले कानून थोपे और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके जो आम जीवन है उस पर चोट मार रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब वर्ग है, अगर उसको पेट्रोल भराने के लिए उसके पास 100 रुपए नहीं होंगे तो अपना संसाधन कैसे चलाएगा? आप मखौल में कह देते हैं साइकिल चलाओ, तो आपकी सरकार साइकिल चलवाने के लिए आई थी क्या?
कुछ दिन बाद कहेंगे पकौड़े पकौड़े वाले रोजगार की बात आप लोगों ने की थी, पान लगाने की रोजगार की बात की थी। तो आपकी सरकार क्या पढ़ी लिखी नहीं थे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? तो इसका स्पष्ट तौर पर यही रहा कि आने वाले समय में सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है, अब प्रधानमंत्री जी का चेहरा उजागर हो चुका है, अब जनता आपकी सरकार को बदलने की कसम खा ली। संजय जी, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, हल कैसे निकलेगा? फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर विपक्ष को लामबंद होना चाहिए, विपक्ष के प्रदर्शन सड़क पर दिखना चाहिए। मनोज जी से मैं फिर कहूंगा कि अपनी पार्टी पर टीवी की डिबेट और ट्विटर से निकल के सड़क पर दिखना शुरू करें तो कुछ बात बनेगी, क्योंकि अश्विनी शाही जी खुद ही कह रहे हैं कि साइकिल चलाएं, तो इनकी साइकिल, ये भी चाहते हैं कि लोग हमारी साइकिल चलाएं, तो साइकिल को लेके इनको निकलना पड़ेगा। पिछला ये चुनाव याद करें, अखिलेश यादव के बारे में हम लोग लिखते थे, जो इन्होंने टीवी पे भी कमेंट किया और मीडिया पे भी किया, यही मीडिया था जो कहता था कि अखिलेश यादव ने 226 गोल किए और पूरा साइकिल से, और पूरा कम से कम 6 महीने उन्होंने लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के सभाएं की, रैलियां की, प्रदर्शन किए, बहुत मेहनत की थी। इस बार ऐसा दिखता नहीं है। दिखने की वजह भी मनोज जी की बात मैं समझ सकता हूं कि एक तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा कि सरकार का डर है, खौफ है, नेता इकट्ठे नहीं होते हैं, नेता सड़कों पे निकलने से डरते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि आप कब तक सरकार से डरेंगे? आपसे लोग अपेक्षा करते हैं, जनता अपेक्षा करती है कि विपक्ष के लोग लामबंद होकर महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे, उस तरीके से नहीं दिखे हैं जो मीडिया आपको दिखाए। जब आप सड़कों पर उतरेंगे, जब आप हजरतगंज चौराहे पे 10,000 लेके बैठेंगे धरने पर, तो निश्चित तौर पर सारे टीवी चैनल के कैमरे वहां मौजूद होंगे और सारे अखबार के लोग फ्रंट पेज पे कवर स्टोरी भी लिखेंगे। ऐसा नहीं है, आखिरी सब लिखेंगे। आखिरी कमेंट 30 सेकंड। अपेक्षाएं समाजवादी पार्टी से है, जो भी प्रोग्राम हुए हैं उनको भुलाते हुए आने वाले विगत 6 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन से लेके सड़कें जाम, चक्का जाम, सरकार नहीं सुनेगी बात तो सरकार भी जाम कर दी जाएगी और योगी आदित्यनाथ को घेरा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आने वाले वक्त में जनता भी देखेगी और हम भी देखेंगे कि आपकी पार्टी किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की। लेकिन आज की जो डिबेट थी उसका जो हासिल है वो यही है कि अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार ऑयल बॉन्ड की जो बात कर रही है, ये ऑयल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि ये आज ही के दिन में या आज ही की तारीख में पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने भी ऑयल बॉन्ड जनरेट किए, ऑयल बॉन्ड की तरह ही बैंक में जो बैंक रिकैपिटलाइजेशन की जो बात आती है, बैंक बॉन्ड भी जनरेट किए। तो क्या इस तरह से ये कह देना कि पिछली सरकारों ने जो बॉन्ड जनरेट किए उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।